गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेड थर्ड हिंदी। सो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था अनोखा जादू का खेल। इसमें अध्यापिका वंदना जादूगर बनकर कक्षा में प्रवेश करती है। उसका जादूगर बनने का क्या कारण था कि वो बच्चों को सही राह पर लाना चाहती थी। बहुत दिन से कक्षा में चीजें गायब हो रही थी और किसी को नहीं समझ में आ रही थी सब चीजें कहाँ गई। तो उसने जादू के खेल के जरिए बच्चों को सही राह पर लाने की कोशिश की है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। उसकी कोशिश के परिणाम स्वरूप अमन को दूसरे बच्चों के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ा और उसको उसकी गलती का एहसास भी हो गया। इस तरह उसने अपनी सूझबूझ के जरिए बच्चों को सही राह पर लेकर आई है। तो बच्चों, ये कहानी क्या कहती है हमें, एक बार फिर से हम देखते हैं, आइए मेरे साथ। पाठ दो, अनोखा जादू का खेल। एक अध्यापिका की नई सोच जिसने बच्चों को आनंद व उत्साह से भर दिया। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनंद फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सिहर उठा। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। यह सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ लगाने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों को उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। देखो, जादू का एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी, क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? मेरी नई बोतल भी, रिया ने कहा। निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीजों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में, छू छू।
यह सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। हम करेंगे कठिन शब्द पाठ दो के, जिसका नाम है अनोखा जादू का खेल। पहला कठिन शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका। दूसरा कठिन शब्द है जादूगर। नेक्स्ट है प्रसन्न। उससे अगला है वितरित। वितरित क्या होता है? वितरित होता है बांटना। नेक्स्ट है उपहार, मतलब गिफ्ट्स, तोहफा। तो कौन कौन से कठिन शब्द हुए? अध्यापिका, जादूगर, प्रसन्न, वितरित, उपहार। ये सारे कठिन शब्द हैं। इनको आपने अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। एक बार फिर से देखेंगे कठिन शब्द। पहला है अध्यापिका। नेक्स्ट जादूगर। तीसरा कौन सा है? प्रसन्न। नेक्स्ट है वितरित। वितरित मतलब बांटना। एंड नेक्स्ट है उपहार, मतलब कि गिफ्ट। अब हम करेंगे शब्दार्थ पाठ दो अनोखा जादू का खेल। पहला शब्दार्थ है जादूगर। जादूगर, इसका अर्थ होता है जो जादू दिखाता है, वो होता है जादूगर। जादूगर जो जादू दिखाता है। दूसरा है प्रसन्न। प्रसन्न, उसका अर्थ है खुश। प्रसन्न का अर्थ है खुश। तीसरा है उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है? तोहफा। तोहफा मतलब गिफ्ट, इसको हम भेंट भी कह सकते हैं। भेंट, बर्थडे पे मिलते हैं ना अच्छे अच्छे उपहार। नेक्स्ट है आनंद। फानन, आनंद फानन, इसका अर्थ होता है जल्दी से। जल्दी से,
नेक्स्ट है वितरित करना, वितरित करना, वितरित करना का भाव होता है बांटना। जैसे हम गिफ्ट्स बांटते हैं ना, उसको कहते हैं वितरित करना, बांटना। तो बच्चों ये है हमारी कठिन शब्द, आपने इसको नोटबुक पर अच्छा अच्छा करना है, सुंदर राइटिंग। शब्दार्थ को एक बार फिर से देखते हैं। जादूगर, इसका मतलब है जो जादू दिखाता है, जो मैजिक करता है ना, वो जादूगर होता है। दूसरा है प्रसन्न, प्रसन्न मीनिंग खुश होना। थर्ड है उपहार, मतलब तोहफा, भेंट। नेक्स्ट है आनन फानन, अर्थ है इसका जल्दी से। वितरित करना, अर्थ है इसका बांटना। Thank you.